initiatives. Yeah. How proud you feel, and what is the aim, vision for the future as such? We have a World Peacekeeper Movement. It is on Facebook. There are 2 million peacekeepers. And we wanted to spread the peace through the 7 human value. And when we are doing it ourselves, we can only achieve so much. But when celebrity, they join hands with us, and they also start promoting it, then we can spread the concept of peace in a more bigger way. And that is why the concept of World Peace Ambassador has started. And what is the promotion strategy, and how many people right now are associated, and what do you say, what? Right now we had one similar 15 days back, and every 15 days we'll have one function like this. Shivanji, aap kya karna chahenge associate honne se pehle, kaisa feel ho raha aur kya aapka kya maqsad hai isse jod ke, kya karna chahti hain? So I think this is my second year, Dr. Hus, so I think it's, I love the whole idea, because mujhe lagta hai ki apni hum busy zindagi se hatke kuch वर्ल्ड के लिए करें, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली क्योंकि हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे फैंस हैं, सो वी देर ऑलवेज लुकिंग अप टू अस फॉर मैसेजेस, एंड यू नो, सो आई थिंक वी आर द बेस्ट पीपल टू एक्चुअली स्प्रेड द मैसेज ऑफ वर्ल्ड पीस, लव एंड एम्पथी. एंड आई थिंक म्यूज़िक के ज़रिए मैं, मुझे लगता है कि हमेशा म्यूज़िक इज़ सच अ पावरफुल टूल, विद माई सॉन्ग्स, विद माई म्यूज़िक, विद माई परफॉर्मेंसेज, आई एम श्योर आई कैन रियली स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ वर्ल्ड पीस एम्बेसडर. तो अभी के टाइम में ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि पुलवामा अटैक हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, तो ये टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट है इस अवेयरनेस को फैलाना स्पेशली? अभी के टाइम से मुझे तो लगता है कि टेररिज्म बहुत सालों से जो है, इट हैज़ बीन करप्टिंग आवर वर्ल्ड, करप्टिंग द वर्ल्ड पीस. तो मुझे 2008 में इस चीज़ का बहुत मेजर एहसास हुआ था, जब 26/11 के टेरर अटैक्स मुंबई में हुए थे. आई लॉस्ट अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और तब मैं आई वॉज सो शेकन अप कि मुझे लगा कि वी शुड गेट अप, इट कुड हैव बीन मी, इट कुड हैव बीन समबडी वेरी 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 डियर टू मी. सो आई थिंक तब मैंने गाना बनाया था अलविदा, अलविदा टू टेररिज्म. तो तभी से मुझे लगने लगा कि वी मस्ट रिमाइंड आर सेल्फ कि ये एक ऐसा डिजीज़ है, टेररिज्म ऐसा डिजीज़ है विच नीड्स टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द रूट्स. तो हो सकता है कि म्यूज़िक के जरिए इट माइट जस्ट, यू नो, म्यूज़िक हैज़ वेरी पावरफुल वाइब्रेशंस, तो उनके वाइब्रेशंस के जरिए जो ये टेररिस्ट हैं, क्या पता इनमें कुछ बदलाव आ जाए. सो तभी से मुझे लगता है टेररिज्म, इफ़ इट इज़ इरेडिकेटेड, द वर्ल्ड विल बी अ मच ब्यूटिफुल एंड बेटर प्लेस टू लिव इन. The world peace and the movement sir have started. Sir ने जैसे शांति का संदेश, शांति का जो शब्द रखा है, मतलब पूरे विश्व में जो मेन समस्या है वो अशांति है. तो पीस रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए. हर व्यक्ति अगर मन में सोच ले कि वो अपने आप में शांत रहेगा और अच्छा शांति का वाइस भेजेगा एक दूसरों को, तो पूरे विश्व में शांति होगी. So, what do you want to say about this movement the sir have started? And अभी जैसे मैंने शिवानी मैम को पूछा था, currently जो scenario चल रहा है हमारे देश में, कितना important है peace हमारे देश के? So, TWPM. This is a wonderful movement, because you know, through this movement we are able to reach to people, we are able to reach to our being influencers, we can reach to the audience masses and communicate to them. Now when we say what is hampering the peace, there's a lot of there in our Indian society, especially dowry, you know, child labor. Let's talk about terrorism is definitely there, but there's a lot of other things also around terrorism which we need, like we need to correct in our society. So I personally believe that this is a very big step, major step that has come from Dr. Hus, and really thank you for giving this time. Thank you, everyone. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. Yeah. Okay, Manjari ma'am, we'll start with you. वर्ल्ड पीस कितना इम्पोर्टेंट है, और सर ने जो इनिशिएटिव लिया है कितना इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में, जो जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारे देश में? सिर्फ ये हमारे देश की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है. हम इंडिया में रह रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ यहीं का पता है कि यहाँ पे इतने सारे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, इतने दंगे हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारी जगह पर है.
तो इसीलिए हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि द वर्ल्ड पीस, यू नो, हमें पूरे वर्ल्ड तक ये किसी भी तरीके से ये मैसेज पहुंचाना है और ये बहुत ही ज़रूरी है. आज सर ने ये इनिशिएटिव लिया है. हमें लगता है कि अगर हम छोटे छोटे ग्रुप्स में या छोटे छोटे, यू नो, कोई एक इंडिविजुअल भी अगर खड़ा हो जाए और वो अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ये बातें फैलाना शुरू कर दे कि हम अच्छे से रहते हैं, शांति से रहते हैं, या इस बात को फैलाते हैं, तो एक से दो, दो से चार और चार से सैकड़ों तक ये बात पहुंच सकती है और शांति बरकरार रह सकती है. और ये टेररिस्ट अटैक्स या जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ये किसी ग्रुप का या ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है. ये हमारे, हम ही लोगों में से जाके वहाँ पे ऐड होते हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हम ही लोग ये पीस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमारा जो माइंडसेट है, अगर किसी तरह हम धीरे धीरे ये आगे तक पहुँचाए, सारी जनता तक पहुँचाए, सारे पॉपुलेशन में पहुँचाए, तो मुझे लगता है कि हमें ये फाइट नहीं करना पड़ेगा इस नेगेटिव चीज़ों के अगेंस्ट में. हम प्यार से, हम अच्छी बातें करके, हम पॉजिटिव थॉट्स लेके अगर हम पहुंचा पाए ये लोगों के बीच, तो बहुत आसानी से पहुंच सकती है बातें. थैंक यू. मैम, सेलिब्रिटी का जुड़ना कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे सर ने कहा कि सेलिब्रिटी की बात सब लोग सुनते हैं, उनके फॉलोअर्स की वजह से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचती है, तो एनीथिंग वुड लाइक टू. ये बात सही है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप सेलिब्रिटी बन जाते हो, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन लोग जो आपको देख नहीं पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यू आर समथिंग डिफरेंट. तो क्या होता है कि वो कुछ दिमाग से सोच नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा, ये मुझे पसंद है, ये जो कर रहे हैं वो सही है, वो अच्छा है, तो मैं भी वही करूँ. तो उस तरह से ऐसा होता है कि लोग आपको आँख बंद करके, जैसे कहते हैं कि लव इज़ ब्लाइंड, उसी तरह से सेलिब्रिटीज़ का भी ऐसे होता है कि लोग ये सोचते हैं इट इज़ ब्लाइंड. आप जो भी करेंगे वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आप सही करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे. इसीलिए हम मूवीज़ बनाते हैं. मूवीज़ में हम लोग लास्ट में एक मैसेज देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. आपने पहले देखा होगा कि मूवीज़ में ये बताया जाता था कि बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप को घर से निकाल देते थे. अभी वो ट्रेंड चेंज हो गया. अभी आप देखें कि लेटेस्ट मूवीज़ में जो आते हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं, रियल लाइफ के ऊपर, ट्रू स्टोरी, ट्रू चीज़ों के ऊपर, रियलिटी के ऊपर मूवीज़ बनाई जाती हैं, तो मोटिवेट करती है लोगों को. एंड जैसे कि अभी मंजरी ने बोला कि टेररिस्ट जो है, टेररिस्ट हम में से ही निकलता है. शी इज़ राइट, टेररिस्ट हम में से ही निकलता है. मुझे ऐसा लगता है द ओनली प्रॉब्लम इज़ ईगो. अगर आपकी ईगो जो होती है ना, वो ईगो ही आपको लड़ाई करा देती है. जो आप शादी करके जाते हैं, फैमिलीज होती हैं, ईगो ही से ही आप लड़ते हैं. आप टेररिस्ट बनते हैं वो सिर्फ एक ईगो है. दैट्स इट, दैट्स जस्ट अ ईगो कि हमारा ये है, हमारा वो है. आई डोंट बिलीव इन रिलीजन्स. मुझे ऐसा लगता है हम सब इंसान हैं, राइट? एक ही भगवान ने बनाया हमें, वो आप अल्लाह कह लो, वो आप जीसस कह लो, वो आप कुछ भी कह लो, तो हम सब एक हैं, ठीक है. ईगो अगर हम लाएंगे तो लड़ाई होगी, वो पापा से भी आपकी लड़ाई हो जाएगी. ईगो में लड़ाई होती है और कोई रीज़न नहीं है लड़ाई का. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ईगो आप लोग मत रखिए, प्यार से रहिए. कोई आपको कुछ कह भी देता है तो थोड़ी देर का गुस्सा है, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा. थैंक यू. सर, आपसे जानना चाहेंगे वर्ल्ड पीस के लिए क्या कहना चाहेंगे? और एक एक्ट किया था आपने आईजी कामासूत्रा का, आईजी टीम में, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? बट आप कामासूत्रा के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? जो एक्ट किया था आपने लोगों के लिए. सी फॉर मी, लाइक इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पीस एम्बेसडर्स, सो लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे वो कामसूत्रा के जरिए दिखाया जाए, चाहे वो डांस के जरिए दिखाया जाए, चाहे वो फैशन के जरिए दिखाया जाए. एंड एवरीबडी नोन मी एज लाइक सेंशुअस कपल ऑफ इंडिया, लाइक एज अ कपल. सो लव एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं इंसान के ऊपर एक शांति का प्रभाव डालता ही डालता है. सो लाइक इफ मैनी, आई हैव मैनी फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड सो मैनी सोशल साइट्स, लाइक जिसपे आजकल, बिकॉज एक जो डिजिटल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का. सो लाइक अगर हमारे फॉलोअर्स इतने हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे बालों को फॉलो करते हैं, हमारे स्टाइल को फॉलो करते हैं, हमारे डांस को फॉलो करते हैं. तो अगर हम उन्हें पीस के मैसेजेस देते हैं तो ऑफकोर्स वो भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे ही. बिकॉज एक टाइम था लाइक लोग मेरे बालों को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म मुझे झेलना पड़ता था, लुक्स को लेके. लेकिन आज वही मैं देखता हूँ तो हर इंसान वही, हर लड़का वो चीज़ फॉलो कर रहा है. इसका वो कहीं ना कहीं वो चीज़ सही थी. तो अगर मैंने कामसूत्रा भी किया है तो उसे भी एक लव और एक अच्छे तरीके से पेश किया है, और वो हमारे इंडिया का कल्चर ही तो था.
अगर हम सालसा कर सकते हैं, बचाता कर सकते हैं, बाहर की जितनी भी डांस फॉर्म्स है उन्हें शोकेस कर सकते हैं, लैटिन डांस फॉर्म्स को हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि ये सालसा है, ये सब कुछ है, तो जब हमारे इंडिया में कामों से थोड़ा कल्चर है तो वो क्यों नहीं कभी किसी ने दिखाने की कोशिश की. ओके, थैंक यू सो मच.